टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार अस्पताल प्रबंधन अगले 48 घंटों तक उन्हें और अस्पताल में रखना चाहता था, लेकिन ममता बनर्जी के कहने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। लेकिन उनकी चोट पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि आखिर उनकी चोट एक दिन में दुरुस्त कैसे हो गई। बीजेपी ने सवाल इस बात पर भी उठाया कि अगर प्लास्टर लगा था दीदी के पांव में तो प्लास्टर 24 घंटों के अंदर कैसे कट गया और पांव में क्रैप बैंडेज लगाए हुए दीदी व्हीलचेयर पर कैसे दिखाई दी हैं। यानी चोट पर सियासत शुरू हो गई है। वहीं टीएमसी ने इसे साजिश बताया है, इसे हमला बताया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे दीदी का ढोंग बता रही है और इस पूरे मसले पर सियासत शुरू हो गई है बंगाल में। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता बैजू जुड़े हुए हैं, सीधे जुड़ेंगे उनके साथ। जी बैजू, हम जानना चाहेंगे कि बंगाल में आम लोगों के बीच, आप जिस वक्त जहां अभी मौजूद हैं वहां आम लोगों के बीच क्या राय है इसे लेकर, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है। दीदी का कहना है कि हमला हुआ है, साजिश हुई है, वहीं बीजेपी कह रही है कि यह ढोंग है। उदय जी देखिए, चुनाव के माहौल में कोई भी राजनीतिक नेता जो है मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता है, और वही चीज़ जो है हम देख रहे हैं बंगाल की राजनीति में भी हो रही है कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ या हादसा, और यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है ना सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे देश की नज़र जो है इस समय ममता बनर्जी के जो पर जो हमला हुआ या हादसा हुआ इसको लेकर जो माहौल है उस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी पर यह हमला या हादसा यह पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम बात 1990 की करें, 1993 की करें, तो उस समय भी ममता बनर्जी के ऊपर में हमला हुआ था, लेकिन वो परिस्थितियां अलग थी क्योंकि उस समय जो हमला हुआ था उस समय राज्य में थी वामपंथियों की सरकार थी और ममता बनर्जी ऑपोजिशन में थी। तो उस समय उन पर जो हमला हुआ था 1990 में और 1993 में, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी आक्रामक भूमिका लेकर जो बंगाल की राजनीति में उनका उदय हुआ और उन्होंने बंगाल की राजनीति में अपनी जगह भी बनाई। लेकिन सवाल इस बार ये उठता है कि चुनाव के इस माहौल में ममता पर हमला हुआ है या हादसा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो विरोधी पक्ष है वो ममता पर हमला हुआ है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। बंगाल की तमाम विरोधी पार्टियां, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा, सब ने यही कहा है कि ममता बनर्जी नौटंकी कर रही है, नाटक कर रही है सिर्फ चुनाव में अपना फायदा लेने के लिए। और विरोधियों ने इसका वजह यह बताया है कि ममता बनर्जी इस समय सरकार में है और ममता बनर्जी जहां भी जाती है प्रचार करने के लिए उनकी 3 लेयर्स जो सिक्योरिटी रहती है उनके साथ में, और ममता बनर्जी बंगाल भी है, पुलिस विभाग उनके पास है, तो ऐसे में उनकी पुलिस के रहते हुए ममता बनर्जी पर हमला, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और लोग और विरोधियों का कहना है कि यह हमला नहीं था, यह एक नौटंकी है, ममता बनर्जी जो है इस चुनाव में जो है इस घटना को सामने लाकर राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। उदय जी, जी बैजू, बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि अगर प्लास्टर हुआ था दीदी के पांव में तो वो 24 घंटों के अंदर कैसे कट गया, यानी कहीं ना कहीं हमले के लिए एक हथियार, एक सियासी मुद्दा भी बन गया ये। बिल्कुल उदय जी देखिए, जिस दिन ममता बनर्जी का ये जो मामला सामने आया था उसके बाद से भाजपा वाले जो है पूरी तरह से मैदान में उतर गए थे और उन्होंने बार बार कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्या ममता पे हमला हुआ या यह एक एक्सीडेंट था, ये बार बार जो है भाजपा वाले उठा रहे हैं इस बात को और बार बार जांच की बात कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच करवाई जाए और संस्था से जांच करवाई जाए, क्योंकि ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री है और पुलिस की मौजूदगी में अगर उन पर हमला होता है तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी घटना है। अगर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुरक्षित नहीं है तो राज्य की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी, और ये सवाल भाजपा ने उठाया है। बिल्कुल, जिस तरह से इस पर सियासत हो रही है, अगर बंगाल के चुनाव में देखा जाए बैजू, तो अभी तक आप लोग लगातार फील्ड में सक्रिय हैं, घूम रहे हैं, तो क्या मुद्दों पे, मुद्दा आधारित के चुनाव हो रहा है या यूं ही आरोप प्रत्यारोप की सियासत पे अभी तक क्या कोई मुद्दा इस तरह से उभर कर सामने आया है जो पक्ष विपक्ष के बीच एक जिसको लेकर तर्क वितर्क या फिर चर्चा हो रही हो, या आम लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा हो रही हो? बिल्कुल उदय जी, ये जो घटना घटी है 10 तारीख को नंदीग्राम में ममता बनर्जी के नामांकन के बाद में जो घटना घटी है उस पर पूरे राज्य की नज़र है, मतदाताओं की नज़र है, क्या ये सही में हमला था
क्या यह एक हादसा था, इस पर जो है राज्य की जनता मतदाता जो है बहुत बारीकी से देख रहे हैं कि एक्चुअल में इसके पीछे में क्या घटना थी, क्या हुआ था। क्योंकि ममता बनर्जी ने भी एक बार भी जो है भाजपा का नाम नहीं लिया है, उन्होंने बार बार एक ही बात कही है कि 4 से 5 लोगों ने जो है मुझको धक्का मारा और मुझे चोट आई है। ये ममता बनर्जी ने भी कहा, ममता बनर्जी ने एक बार भी जो है भाजपा का नाम नहीं लिया है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के काफ़ी जो वरिष्ठ नेता हैं, जो फ्रंट लाइन नेता हैं, उन्होंने बार बार जो है भाजपा पर आरोप लगाया है और इसको लेकर चुनाव आयुक्त में वो लोग ने जो कंप्लेन शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन चुनाव आयुक्त के ऊपर भी जो है तृणमूल कांग्रेस ने जो सवाल उठाया है उसे लेकर चुनाव आयुक्त में भी काफ़ी नाराजगी है और कड़ा जो है उनका बयान भी आया है चुनाव आयुक्त का कि तृणमूल कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो निराधार आरोप है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बंगाल की जनता क्या सोचते हैं इस बारे में हम जानने की कोशिश करें। कुछ लोग हमारे आसपास मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ममता बनर्जी पर जो कुछ हुआ वो हमला था या फिर हादसा, इस बारे में आम लोगों का क्या कहना, इस बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस समय हम लोग खड़े हैं सिलीगुड़ी के सेठ सिलाल मार्केट में। ये जो मार्केट है ये बहुत ही बेस्ट मार्केट है सिलीगुड़ी शहर का, काफ़ी बड़ा मार्केट है और हम यहाँ जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बैजू, आप बात करें, कुछ लोग जो आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं उनसे बात करते हैं और ये जानने का हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है इन तमाम मुद्दों को लेकर। बैजू एक और बात है कि टीएमसी के नेता पार्थ चटर्जी ने यह कहा था कि हम घटना की असली वीडियो जारी करेंगे। बंगाल की जनता तो उस वीडियो का भी इंतजार कर रही है कि असली वीडियो कब टीएमसी की तरफ से जारी किया जाएगा। बिल्कुल उदय जी, बिल्कुल जी, इन सारे चीज़ों पर जो है बंगाल के लोगों की नज़र है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ठीक, ये बताइए ममता पर क्या लगता है आपको, हमला हुआ था या एक्सीडेंट था, क्या लगता है आपको? हमला नहीं था, वो गाड़ी में उठ रहा था उसको टाइम, तो उसको चोट लग गया, चोट की वजह से थोड़ा बैंडेज विंडेज किया हुआ है, फिर देखते आगे क्या होता है। तो ममता बनर्जी बार बार बोली खेला होबे, तो अब तो व्हील चेयर पर आके प्रचार करेगी, कितनी सहानुभूति रहेगी बंगाल के लोगों को? अभी वो पार्टी का नेत्री है तो उसको करना ही चाहिए, जितना भी होगा कोशिश करेगा करने के लिए बस। कुछ लोग हमारे साथ अभी और भी यहाँ भी मौजूद है। अच्छा ये बताइए कि ममता बनर्जी पे जो हमला हुआ है, अब ममता कह रही है कि व्हील चेयर पर वो प्रचार करेगी, कैंपेन करेगी, क्या बंगाल के लोगों की सहानुभूति उनको मिलेगी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री हैं और उसका पैर में चोट आया तो कैंपेनिंग तो करना ही पड़ेगा, बैठ के करे या घर पे बैठ के एक मुख्यमंत्री को ऐसा करेगा, अगर होता है तो बहुत गंदा काम किया कोई भी। अगर जैसा कि आपने सुना कि लोगों के मन में भी शक है कि ये हमला नहीं है, क्योंकि इतनी पुलिस रहने के बावजूद ममता बनर्जी पर हमला होना कभी भी संभव नहीं है, ये आम आदमी भी मानते हैं। उदय जी कहा गया था कि असली वीडियो भी जारी किया जाएगा, यानी टीएमसी ने कहीं ना कहीं खुद पे हमले का हथियार खुद ही दे दिया है, क्योंकि अगर ऐसा दावा किया गया तो लोगों को उस वीडियो का भी इंतजार होगा कि वो वीडियो आए और टीएमसी की तरफ से क्या कुछ दिखाया जा रहा है वो भी जनता के सामने आए। ममता दीदी की चोट को लेकर कि आखिर चोट को लेकर सियासत किस कदर हो रही है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आफताब जुड़े हुए हैं, सीधे जुड़ेंगे उनसे। जी आफताब, बंगाल में क्या कुछ सियासत चल रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार अब इसे ढोंग बता रही है, वहीं टीएमसी का कहना है कि ये एक तरह से हमला था, ममता दीदी के खिलाफ साजिश थी। देखिए सवाल है बहुत बड़ा, लगातार हम 3-4 दिनों से जो है कि इस मामले को कवर कर रहे हैं, बंगाल की सियासत को करीब से देख रहे हैं, तो कह सकते हैं कि ममता की पांव में चोट और जनता की वोट, ये लेकर जो है कि यहाँ कहावत भी चल रही है और साफ तौर पे जो है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो नेता है उनका साफ तौर पे ये मानना है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के खिलाफ साजिश चल रही है। वहीं भाजपा और जो और दल हैं उनका ये साफ तौर पर मानना है कि ये ममता बनर्जी जो है कि सेंटिमेंट को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हैं, वो इस तरह से नाटक कर रही हैं कि उनको वोट मिल जाए, तो ये कह सकते हैं कि नई सियासत शुरू हो गई है। अब इसका जो असर इलेक्शन में क्या होगा
जमीन पे क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो जनता के जो मुद्दे हैं वो बंगाल की सियासत में गौन होते नजर आ रहे हैं। और सिर्फ जो है कि ये ममता बनर्जी के साथ जो घटना घटी, अब ये हमला हुआ है या जो है कि उनकी उनके साथ जो घटना घटी चोट लगी है ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो बंगाल की सियासत में खास तौर पे इस बात की जगह जगह पर चर्चा हो रही है। विकास का जो मुद्दा है, मेन मुद्दा और भी जो सारे हैं वो गौन होता साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल आफ्ताब, सवाल इस बात पर भी है कि बीजेपी अब सवाल ये उठा रही है कि दीदी के पांव में प्लास्टर हुआ और 24 घंटों के अंदर प्लास्टर कट भी गया, आज वो जब व्हील चेयर पे निकली तो उनके पांव में क्रैप बैंडेज बंधा हुआ था, यानी ये भी कहीं ना कहीं मुद्दा बन गया है। वहीं दूसरी बात, सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि टीएमसी के नेता पार्थ चटर्जी की तरफ से कहा गया था कि जो वीडियो आया है वो नकली है, असली वीडियो टीएमसी की ओर से जारी किया जाएगा, लोग अभी भी उस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि टीएमसी ने खुद एक हमले का हथियार दे दिया है विपक्ष को? नहीं नहीं बेशक, देखिए लगातार दो दिनों तक ममता बनर्जी एसएसकेएम जो अस्पताल है कोलकाता का वहां एडमिट थी, लगातार उसे हम कवर कर रहे थे, उन लगातार मेडिकल बुलेटिन भी डॉक्टर जारी कर रहे थे। उनमें साफ तौर पर जब डॉक्टर ने कल मुकम्मल तरीके से अपना आखिरी बुलेटिन जारी किया उसमें साफ तौर पर डॉक्टर ने कहा है कि ममता बनर्जी बार बार डॉक्टरों से गुजारिश कर रही थी कि उन्हें डिस्चार्ज कर दीजिए, और जो न्यू तरीके से उन्हें प्लास्टर किया गया था वो प्लास्टर जो है कि आज मतलब नहीं दिखा। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक का एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी, भाजपा, सीपीआई माले और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको ममता बनर्जी और टीएमसी ने खुद दिया है। अब सवाल है कि इसका जो इसका फायदा जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कितना मिलेगा ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा, लेकिन फिलहाल के वक्त में कहीं ना कहीं ये मुद्दा बड़ा हो चुका है। और ममता बनर्जी हमें लगता है कि कुछ दिनों के बाद वो जो है कि व्हील चेयर से ही प्रचार प्रसार करने के लिए निकलेंगी और जरूर इस बात का जो है हर जगह अपनी बात को रखेंगी कि उनके उनके ऊपर हमला हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ता भी इस मुद्दे को मुकम्मल तरीके से भयाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो तमाम विपक्ष पार्टियां हैं ममता बनर्जी की इस बात का जवाब देने को तैयार हैं। जी बिल्कुल आफ्ताब, अगर आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं तो हम चाहेंगे कि उनकी भी राय लेते कि आखिर आम जनमानस इस पूरी सियासत को किस तरह से देख रहा है और क्या कुछ इस मामले पे कहा जा सकता है आगे। देखिए जब हमने हम अभी जो है कि लाल बाजार के इलाके में हैं, जब हमने कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए कहा कि आप प्लीज कैमरे पे बोलिए कुछ बात कीजिए, तो फिलहाल के वक्त में अभी कैमरे पर ना तो बीजेपी के साथ बोलने को तैयार है, ना तो ममता बनर्जी के साथ बोलने को तैयार है, ना किसी के खिलाफ में बोलने को तैयार है। फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो जनता का मूड जो है अभी क्लियर खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है कि आखिर किनके साथ है वो, और खासकर इस मुद्दे पर जो ममता बनर्जी के मामले को लेकर जो लोग हैं वो खासतौर पर खुलकर बोलना नहीं चाहते। हमने जो है कि अभी कई इलाकों का जायजा लिया, वहाँ एक मूड टटोलने की कोशिश भी कई विधानसभा में किया है, तो वहाँ साफ तौर पर कई इलाके में टीएमसी के लोग जो है इतना कह सकते हैं कि मतलब एक प्रभाव उनका है, उस लिहाज से भी कई लोग खुलकर इस मामले को लेकर बोलने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, यानी ये सिलसिला इतनी आसानी से थमने वाला भी नहीं है, क्योंकि ममता दीदी अब जो प्रचार करेंगी व्हील चेयर पे करेंगी, उनकी कोशिश होगी कि मतदाताओं की सैंपैथी मिले, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर हमला बोलेगी कि आखिर प्लास्टर 24 घंटों में कैसे कट गया, टीएमसी का असली वीडियो कहाँ है, यानी अब लगता है कि दूसरे मुद्दे गौन हो जाएंगे और कुछ दिनों तक तो फिलहाल लगता है प्रथम चरण तक यही मुद्दा हावी रहेगा। आफ्ताब नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए साफ है कि आप याद कीजिए कि एक बार जो है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आर पार की लड़ाई होगी, तो हम कह सकते हैं कि आर पार की लड़ाई को पश्चिम बंगाल तैयार है, तमाम पार्टियां तैयार हैं, और कह सकते हैं कि ममता बनर्जी भी मुकम्मल तरीके से भाजपा और जो विभिन्न दलें हैं उनके मुकाबले के लिए भी तैयार है। मैंने कह सकते हैं कि जो यहाँ जितने सारे पार्टीज इलेक्शन लड़ेंगे, जो नेता भी दूसरे राज्यों से भी यहाँ कुछ करने वाले हैं, तो मुकाबला बहुत जबरदस्त होगा, और इस बार जनता को तय करना है कि क्या ममता बनर्जी की ही सरकार रहेगी या फिर दूसरी नई पार्टियों को मौका मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हर जो जो मेन मुद्दा है, जो मेन आम आदमी का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं गौण होते नजर आ रहा है।
और ये आने वाले इलेक्शन में, आने वाले वक्त में ये साफ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ साथ जो और तमाम दलें हैं एक दूसरे पर हमला करते नजर आएंगे। और जो मेन मुद्दा है वो जमीनी हकीकत, जमीनी मुद्दा जो कोलकाता का है, पश्चिम बंगाल का है, वो जो है कि लोगों तक पहुंच पाता है कि नहीं, लोग नेता उस मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे नहीं, ये तय करना बेहद मुश्किल है। जी बिल्कुल आफ्ताब, एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे कि लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत हो रही है, अगर देश में देखा जाए तो पिछले दिनों किसान आंदोलन को लेकर खूब सियासी गर्मा गर्मी देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ महंगाई भी एक मुद्दा है, तो बंगाल के विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों का कोई असर दिखाई दे रहा है या नहीं, महंगाई की बात हो या फिर किसान आंदोलन की बात हो? नहीं देखिए, फिलहाल के वक्त में जो दूसरे राज्यों के नेता जब यहाँ आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में इलेक्शन लड़ने की कवायद की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम पार्टी हैं, जेडीयू है, कांग्रेस पार्टी है, और तमाम जले जो यहाँ पर लड़ने को तैयार हैं, वो पंजाब से भी कई लोग यहाँ पहुंचे थे नेता, किसान नेता, तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ के लोग उस मुद्दे से मतलब कहें कि दूर हैं। दूसरे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, जो नेता आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा प्रेस मीडिया में कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पे यहाँ जब देखते हैं, इस जमीन पर देखते हैं, तो वो किसानों का मुद्दा मुकम्मल तरीके से नजर नहीं आ रहा है। यहाँ सिर्फ जो है कि लड़ाई टीएमसी के कार्यकर्ता, कुछ नजरिया जो है कि टीएमसी का अपना है, कुछ इलाके में नजरिया बीजेपी का अपना है, कांग्रेस पार्टी का है, तो फिलहाल के वक्त में जो किसानों का मुद्दा है, जो डीजल पेट्रोल वृद्धि का मुद्दा है, वो कहीं नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल के वक्त में किसान के मामले को लेकर जो जनता है वो कुछ भी बोलने को तैयार भी नहीं है, और उसका असर पश्चिम बंगाल के इलाके में जो चुनाव होने वाले हैं, खासकर हम कोलकाता के इलाकों की बात करें, यहाँ जो विधानसभा है वहां नजर नहीं आ रहे हैं। जी चलिए आफ्ताब, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि बंगाल के चुनाव में इन मुद्दों का कितना असर दिखाई देता है। बात कर रहे हैं दीदी की चोट पर, जो बंगाल में एक सियासी मुद्दा बन चुकी है, जिसे लेकर टीएमसी कह रही है कि दीदी के पांव में चोट साजिशन लगी है, साजिश की वजह से लगी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है ये साजिश नहीं ढोंग है। हमारे साथ इस वक्त आसनसोल से संवाददाता उदय प्रताप जुड़े हुए हैं। जी उदय, आपसे जानना चाहेंगे कि आसनसोल इलाके में दीदी की जो चोट है, इसे लेकर लोगों के बीच क्या कुछ चल रहा है और आम लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस चोट को लेकर के राजनीतिक महकमे में चारों ओर सरगर्मी तेज है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं भाजपा के जो आला नेता हैं उनका आरोप है कि ममता बनर्जी वहाँ पे उन्हें चोट नहीं लगी है और नाटक किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे जो आम लोग हैं, आम लोगों में भी उसको लेकर के अलग अलग मत विरोध देखा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी ये सीधे सीधे राजनीति करने के लिए या सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसा काम कर रही है, क्योंकि उन्हें चोट नहीं लगा है। जिस तरह से उन्हें जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा मिली हुई है और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी भी उनके काफिले में शामिल थे, तो कैसे संभव हो सकता है कि ममता बनर्जी को इस तरह की चोट लगती है, बताया जाता है कि फ्रैक्चर हुआ है। वहीं दूसरे कुछ लोग भी हैं जो उनके समर्थक कही है, जो लोग भी हैं उनका कहना है कि संभवतः दीदी को चोट लगी है, अन्यथा वो वहां से हॉस्पिटल में दो दिनों तक भर्ती नहीं रहती, उनके पैर में प्लास्टर नहीं होता। तो जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी मता विरोध देखा जा रहा है, उनमें भी अलग अलग तरह के बातें हो रही है कि ममता बनर्जी के जिस तरह से चोट लगा वो सही भी हो सकता है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं सही नहीं हो सकता है, लेकिन राजनीति इसे लेकर के खूब हो रही है। भाजपा की ओर से लगातार ममता बनर्जी कांग्रेस पर आरोप जा रहा है, बीजेपी की ओर से वीडियो जारी किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि वहाँ किस तरह से एक फिल्म के सीन के आधार पर के इसकी पूरी स्क्रिप्टिंग की गई थी, और जो वहाँ पे चोट लगा है उसके बाद ममता बनर्जी ने जिस तरह से बयान दिया अस्पताल से, वो सारी चीज़ें एक फिल्म की सीन, पुरानी फिल्म के सीन उठा करके यहाँ लाई गई है। तो जिस तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की चोट है उसको लेकर के राजनीति काफ़ी हो रही है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के साथ ही जो विरोधी पार्टियाँ हैं, वो चाहे सीपीआई चाहे कांग्रेस, वो लोग भी इसे लेकर के ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। जी उदय बिल्कुल, और जिस तरह से पार्थ चटर्जी की तरफ से कहा गया था कि हम इस घटना का असली वीडियो जारी करेंगे, यानी उनका कहना था कि जो वीडियो अभी आया है वो नकली वीडियो है, असली वीडियो का इंतजार तो बंगाल की जनता अब भी कर रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि अगर दीदी के पांव में प्लास्टर किया गया था तो वह महज 24 घंटों के अंदर क्रैप बैंडेज में कैसे बदल गया, यानी लगता है कि पहले चरण के चुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है। जी उदय
जी बिल्कुल, नंदीग्राम जो सीट है वैसे भी हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है, जब तक वहाँ चुनाव संपन्न नहीं होता तब तक वहाँ बड़े दौरे होने वाले हैं। जो घटना घटित हुई थी, घटना घटित होने के तुरंत बाद पार्थो चटर्जी ने आरोप लगाया था कि ये हमला किया गया है, सीधे सीधे हमला का मामला है और इसकी जाँच होनी चाहिए, वो लोग वीडियो जारी करेंगे। लेकिन इसके बाद ही जो दिलीप घोष है यहाँ प्रदेश अध्यक्ष, इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, उन लोगों ने भी कहा था कि इस मामले की पूरी जाँच होनी चाहिए, भले ही CBI जांच करिए, सामने लाना है। आज 2-3 हो गए, उसके बाद भी अभी तक तो इसी तरह का एमसी की ओर से वीडियो जारी किया गया, हालांकि बयानबाजी जरूर की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के जो आला नेता है वे लोग लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो ये हमला हुआ है ये विपक्षी पार्टियों की ओर से कराया गया, प्रायोजित कार्यक्रम था वहाँ से किया गया है, लेकिन भाजपा की ओर से इसे सीरियस अभी तक जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने जो बात कही गई थी कि वीडियो जारी किया जाएगा उसे जारी नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के भाजपा हमलावर रुख होने में उसे और सब कर रही है कि वो झूठ बोल रहे हैं और ममता बनर्जी को चोट नहीं लगी है। उसके बाद जो जिस तरह से वीडियो सामने आ रहा है, ममता बनर्जी ने अस्पताल से जो वीडियो ट्वीट किया था वहाँ पे जानकारी दी थी कि उनके पैर में चोट लगी है, प्लास्टर हुआ था, और जैसे ही अस्पताल से वो घर जाती है तो वो प्लास्टर हट जाता है, प्लास्टर हटने के बाद वहाँ क्रेप बैंडेज आ जाता है, इसको लेकर भी वहाँ सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कैसे ये आज तक के मेडिकल साइंस में अभी तक संभव नहीं हुआ, कैसे ये संभव हो सकता है कि 24 घंटों के अंदर में जिस व्यक्ति के पैर में उतनी चोट हो, प्लास्टर हो, वो प्लास्टर अचानक से क्रेप बैंडेज में कैसे बदल जाता है, इसको लेकर के सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। आम लोगों में भी इसको लेकर के मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, और इसको करके आगे भी राजनीति होने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था कि चाहे वो जैसे भी हो व्हील चेयर से ही जाना पड़े, लेकिन वो जितने भी आगे सभाएं होने वाली है पुरुलिया समेत अन्य इलाकों में होने वाली है, वहां पे वो जरूर जाएंगी, व्हील चेयर से ही सभा को संबोधित करेंगी। और अपने भाजपा की ओर से उन पर हमला किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो पर इतनी चोट लगा है, उन्हें डॉक्टर की ओर से आराम का हिदायत दिया गया, तो कैसे संभव है कि ममता बनर्जी वहां से निकल करके इस तरह से यहां पे आ सकती है, सभा कर सकती है, जगह जगह इतने दौरे करने हैं, वो किस बात से कैसे संभव हो सकता है, इसी को लेकर के राजनीति काफी तेज है और कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो गया है। इसको लेकर के ममता बनर्जी के चोट को लेकर के ही पूरे बंगाल में अभी राजनीति हो रही है, और आने वाले दिनों में लेकर के ही पूरे बंगाल में अभी राजनीति हो रही है, और आने वाले दिनों में भी इस चोट को लेकर के ही राजनीति होने वाली है। देखने वाली बात है कि कौन ज्यादा इसको बुना पाता है, किस तरह से उसको काट पाने में अपने ओर से सफल हो पाती है। उदय, बिल्कुल, अगर आपके आसपास कुछ आम लोग मौजूद हैं तो उनसे भी जरा राय लेते कि वो किस तरह से देख रहे हैं ये पहले चरण के चुनाव में मुद्दे कौन से हैं और क्या कुछ सियासत में फिलहाल चल रहा है। जिन लोगों से ये बातचीत हो रही थी, बातचीत में सीधे उन लोगों का वही मिली जुली प्रतिक्रिया है, क्योंकि खुल के कोई सामने इस बात को लेकर बोलने नहीं चाह रहा है, क्योंकि इस घटना का अभी तक कोई वीडियो या ऐसा कोई संदेश सामने नहीं आया है लाइव वीडियो जिसमें कि इस बात का खुलासा हो सके आखिर ये चोट थी या क्या थी। अभी भी जो आम लोग हैं, आम लोगों से जिस तरह से आम लोगों की बातचीत हुई, बातचीत में उन लोगों ने सीधे सीधे कहा कि जिस तरह के तृणमूल कांग्रेस दावा कर रही है कि इसको लेकर के वो लोग वीडियो जारी करेंगे, तो वो लोग भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस घटना का पूरी जो सच्चाई है वो खुल करके सामने आनी चाहिए कि आखिर हुआ तो हुआ क्या था उस दिन, और मामला जो है ये राजनीति से प्रेरित है भी अथवा ममता बनर्जी के सही में चोट लगी है, इसको लेकर के अभी लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया है, और वो लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इसको लेकर के खुलासा किया जाए और ममता बनर्जी की जो चोट है उस पर जो राज लगातार गहराता जा रहा है, जो राजनीति हो रही है उससे खुलासा होना चाहिए, और इसको लेकर के जो आगे आने वाले दिनों में जो भी हो रहा है वो बंद होना चाहिए, और सीधे सीधे यहाँ पे विकास की राजनीति होना चाहिए, और चोट या अन्य मुद्दों से भटकाने की बजाय जो यहाँ पे विकास कार्यों को लेकर पर चर्चा हो और उसी के आधार पर यहाँ पे वोट हो। जी चलिए, उदय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।